तो गुजरात की मुलाकाते आवेला केन्द्रीय गृह प्रधान अमित शाहे गांधीनगर संसदीय क्षेत्र विकास कामों की समीक्षा करी छे। गांधीनगर सर्किट हाउस में अमित शाहे जिला विकास संकलन और मॉनिटरिंग समिति बैठक आयोजन कर अमित शाहे चूंटायेला प्रतिनिधि अधिकारी साथ बैठक योजी विविध प्रोजेक्ट पर चर्चा की। सांसद हसमुख पटेल और राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन बैठक में सामिल थे। तो सांसद हसमुख पटेल और राज्यसभा सांसद नरहरि सिंह पण हाजर रहा था। गांधीनगर खाते सर्किट हाउस में अमित शाहे बैठक योजी हती। अनेक नेताओं आ बैठक में सामिल थया था। जिला विकास संकलन और मॉनिटरिंग समिति की आ बैठक योजाई। तो संसदीय क्षेत्र विकासना कामों की बैठक में समीक्षा करवामां आवी। तो सांसद हसमुख पटेल और राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन पण आ बैठक में हाजर जोवा मळ्या हता। बात करिए समाचारों की, तो नर्मदाना डेडियापाड़ा सहित विस्तार में वीजळी कड़ाका भड़ाका साथ वरसादे मावठा थी तराव नदी बे कांठे वहती थई छे। त्यारे तराव नदी में पाणी आवता कोलीवाड़ा गामे आवेलो चेकडेम संपूर्ण भराई गयो छे। अने सरीबार विस्तार में जोरदार वरसाद कारण घोड़ापुर उमटी पड़ू हतु। देव नदी बे कांठे वहती थई हती। खाड़ी कोतरो में चेकडेम में वरसाद पाणी भराई गया हता। मावठाना कारण कपास तुवेर पापड़ी चना मकाई घऊ अने शाकभाजीना पाक ने व्यापक नुकसान थयु छे। तो आंबा उपर मोर संपूर्ण खरी पड्यो छे। तरबूजना पाक ने व्यापक नुकसान थयु छे। तो साबरकांठामांथी पसार थतो नेशनल हाईवे नंबर 8 पर 6 लेन नुं काम चालू छे। तो नवीन ओवरब्रिजनी आसपास योग्य रीते पुराण न करता रोड नुं धोवाण थयुं छे। कमोसमी मावठामां सामान्य वरसाद थता रोड ने मोटुं नुकसान थयुं छे। तो हाईवे पर पाणी भराता वाहन चालको हैरान परेशान थया हता। स्थानिको अने वाहन चालकोए हाईवे नी कामगीरी पर सवाल उठाव्या हता। तो जेतपुर में डीडीओए मंडलिकपुर गाम में सरपंच ने सस्पेंड करने आदेश आप्यो छे। तो आ साथे साथे सरपंचना पति ने पण सभ्यपदना होद्दा परथी दूर करने हुकम कर्यो छे। तो उपसरपंच ने पण सभ्यपदथी दूर करवानी मांग उठता स्थानिक राजकारण गरमायुं छे। पंचायतना सभ्य तालुका विकास कमिश्नर ने फरियाद करी पुरावा पण आप्या हता। तो सरपंच नाणानी गैररीति आचरी लाखों रूपियानो भ्रष्टाचार कर्यो हतो। फरियाद बाद अधिकारीए तपास शुरू करी हती। બેંકની અંદર જે બે એકાઉન્ટ છે એમાં સરપંચના પતિદેવ સહી કરતા, જ્યારે રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકના એકાઉન્ટની અંદર ખુદ સરપંચ સહી કરી અને આવી રીતે ખોટી સહીઓ કરી અને લાખોનો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો।